हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर पैरेलल लाइंस। पहला पार्ट है, बेसिक्स देखेंगे और उसके बाद में एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज जो हमने देखी वो पैरेलल लाइंस कहाँ दिखती है। अब ये इतने सारे लोग रेस में दौड़ रहे हैं, रेलवे ट्रैक की लाइंस एक दूसरे से मैच नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, तो वो पैरेलल कहलाई जा सकती है। उसी तरह से जब पेडेस्ट्रियल वॉक करते हैं, वहां पे भी जेब्रा क्रॉसिंग होती है, वो लाइंस भी पैरेलल होती है। ऐसे बहुत से जगह पे उनको पैरेलल लाइंस दिखती हैं। और अब हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज एंड एंगल फॉर्म बाय पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल, टेस्ट ऑफ पैरेललनेस ऑफ टू लाइन्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन्स। 9th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट थिंग इज पैरेलल लाइन्स। लाइन्स विच आर कोप्लेनर एंड डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइन्स। माने क्या? दो ऐसी लाइन्स जो एक ही प्लेन में हो। अगर आप यहाँ देखें तो ये जगह पे आपको एक प्लेन दिखता है और ये दो लाइन्स हैं। लाइन हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट की जाती हैं और उनके साइड में एरोस होते हैं विच टेल्स यू ये दोनों साइड को एक्सटेंड होंगे, एल एंड एम। डन। अब इसके बाद आप कहाँ देखते हैं? टेक्स्ट बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर आपके घर की खिड़की में ऐसी रेलिंग्स लगी हुई हैं, इन रेलिंग्स में अगर आप ऐसे एक स्ट्रिप को पकड़ेंगे, राइट, तो ये लाइंस आपकी पैरेलल है और ये उसकी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। और क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड, इसको हम आंसर करेंगे थोड़ी देर बाद, राइट। अब जैसे देखिए दो लाइंस, जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल हो, वो इस प्रकार से भी हो सकते हैं, जैसे ये दो लाइंस हैं, राइट, ये एरोस दिखा रहे हैं। और जैसे आपको बताया था बेटा कि उनको स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, तो हमने एल और एम से डिनोट किया है। और ये जो लाइन है जो दोनों को, एल को और एम को, दोनों को इंटरसेक्ट करती है, एल लाइन, इसको हम कहते हैं ट्रांस वर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल किसकी? ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एल एंड एम। यहां दिख रही है लाइन एल और एम की। ऐसे करने पर टोटल मिलाकर एट एट एंगल्स बनते हैं। हमने अल्फाबेटिकली उसको डालने की कोशिश की है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। सो कुल मिलाकर एट एंगल्स बनते हैं। तो आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था, दो लाइंस पे अगर एक ट्रांसवर्सल उसको कट करे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 एंगल्स बनते हैं। अब पैरेलल लाइंस एंड नॉन पैरेलल लाइंस, दोनों केस में 8 एंगल्स बनते हैं, राइट। आप ये देखिए, ये है नॉन पैरेलल लाइंस, ये दोनों लाइंस पैरेलल किसी भी हालत में नहीं है, दिख रही हैं ये, तो इनमें भी 8 एंगल्स बने और पैरेलल लाइंस में भी 8 एंगल्स बने, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पैरेलल लाइंस के जो एंगल्स बनते हैं, ये एंगल्स के नाम दिए जाते हैं और जनरली ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट वगैरह होते हैं। इसमें हमको कौन कौन से एंगल पढ़ने हैं? हमको पढ़ने हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट, हमको पढ़ने हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हमको पढ़ने हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड
सप्लीमेंट्री एंगल्स या इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो अगर आपके एंगल्स सेम साइड में, जैसे ये वाला विच इज अबाउट द लाइन टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, दिस ऑल्सो इज अबाउट द लाइन टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। उसी तरह से अब हम ये एंगल देखते हैं, राइट? कौन सा एंगल देखते हैं हम? ए एंगल। ये एंगल और एंगल ई करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। उसी तरह से हम एक और एंगल देखते हैं, सी। अब सी एंगल किधर है? लाइन के नीचे लेफ्ट हैंड साइड में। वैसे ही जी करस्पॉन्डिंग एंगल है और डी और एच ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो फोर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। उसी तरह से जब हम इनको पढ़ रहे होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो हम देखते हैं इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स किसको कहते हैं। एक एंगल आपका ये और दूसरा एंगल आपका ये, दीज टू आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप इसको छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसीलिए इस पर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, समझ के लेंगे बस। और सी और एफ जो हैं, ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स, राइट? ऑल्सो ए और डी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, बी और सी, बी एंड सी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ई एच वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, एफ और जी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इनको वर्टिकली अपोजिट क्यों बोलते हैं? इमेजिन करो कि ये आपकी लाइन है, ड्रॉ करते हैं इसको, ये एंगल, ठीक है? अब ये एंगल देखो और ये एंगल देखो, बिल्कुल अपोजिट दिखते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो ये एंगल जो यहाँ से यहाँ बन रहा है और ये एंगल यहाँ से यहाँ अपोजिट है, इसीलिए इनको कहते हैं अपोजिट या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसमें जब हम ये पढ़ रहे होते हैं तो इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स माने ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो इसका मेजर आता है 180, इन दोनों का मेजर आता है 180। इस तरह से हम डिफरेंट एंगल्स को पढ़ते हैं, ऑल एट एंगल्स। अब इस बार आप देखेंगे और वीडियो को पॉज कीजिए और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, जैसे डी के साथ एच और सी के साथ जी, या अल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं, ये सारे एंगल्स के बारे में आप लिखेंगे इस जगह पर। हम जाते हैं नेक्स्ट इसमें, एक बार और समझ लें। ये वॉयलेट और ये वॉयलेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, वैसे ये ब्लू और ये ब्लू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे? ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, सेम कलर ब्लू ब्लू पिंक पिंक। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स जनरली एक्सटीरियर कम यूज में आते हैं, इंटीरियर को हम बहुत ज़्यादा यूज कर रहे होते हैं न्यूमेरिकल्स में, आपके सिलेबस में। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने आपको पिंक पिंक, ब्लू ब्लू, इंडिगो इंडिगो एंड डार्क ब्लू या ब्लैक विथ ब्लैक, इस तरह से दिखाए हैं। और ये एक बार आप अगर कलर्स पर ध्यान दे दें तो आपकी समझ में आ जाएगा कि एंगल्स कौन से हैं। अब ये आपके पास में टेक्सचुअल क्वेश्चन है, डी डी इज इक्वल टू एच, वैसे ही ए इज इक्वल टू ई, सी बिलो द लाइन टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, बिलो द लाइन टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, जी
सो इस तरह से इसको फिल करेंगे और पी एंड एफ करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स हैं, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स दिए हैं, अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंड ऑल। ये एक थ्योरम है जिसका प्रूफ काफी लंबा है और हम इस वीडियो में नहीं लेंगे, पर हम थ्योरम समझेंगे। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, तो आपके पास पैरेलल लाइन है एम और एल, एम और एल दो पैरेलल लाइंस हैं एंड दे आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल एम। देन इंटीरियर एंगल्स ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ए और डी को आप ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 180, या डी और सी को आप ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 180। इसका प्रूफ इनडायरेक्ट प्रूफ होता है, वेंदी है, अगले वीडियो में देखेंगे। नाउ हम इनको यूज कर दूसरी छोटी थ्योरम्स पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में भी आती है लिखने के लिए। पहला है करस्पॉन्डिंग एंड अल्टरनेट एंगल थ्योरम। तो हम पहला करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन मेजर। मतलब यहाँ पर अगर हम ए बोले, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा बी। These are the two corresponding angles formed by transversal L on parallel line L and M. Then these two angles are congruent. एक बार इसको समझ के लेते हैं भाई, इन दोनों को ऐड कीजिए। अगर हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये 180 होगा, मतलब हमें क्या मिला, A plus C is equal to 180। क्यों? ये दोनों लीनियर पेयर पे। उसी तरह से हमने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने प्रीवियस थ्योरम में, हमने पढ़ा था कि एक साइड में आने वाले दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं तो ये भी 180 हो जाता है। तो हम लिख देंगे C plus D is also equal to 180। अब ये भी 180 है, सेकेंड केस में भी 180 है, तो दोनों केस को इक्वल कर देते हैं। A is equal to A plus C is equal to C plus D। दोनों साइड में C है, कैंसिल हो जाएगा, आपको मिला A is equal to D। ये A और ये B equal है, is it clear? Very good, excellent। तो अब हम देखेंगे कि इनको लिखते कैसे हैं। लिखते समय एक टिपिकल स्टाइल फॉलो की जाती है, गिवन लिखा जाता है। गिवन क्या है, लाइन एल और लाइन एम आर पैरेलल टू ईच अदर। ऐसे दो लाइंस का मतलब होता है पैरेलल टू ईच अदर। एन इज द ट्रांसवर्सल, ये आपकी जो एम है ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है ए इज इक्वल टू बी, A इज इक्वल टू बी, ये आपको प्रूव करना है। कैसे करते हैं, पहले हम लिखते हैं प्रूफ, और प्रूफ में लिखते हैं जैसे आपको अभी बताया था, क्या बताया था आपको, बताया था, एक मिनट इन सारी क्लियर कर ले हम, आपको बताया था कि A और C लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, ठीक है, A और C एक ही लाइन पे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। चूंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, इनका सम 180 रहेगा, आपने लिखा और उसको पॉइंट नंबर 1 डाला। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, बी और सी को आप ऐड कीजिए वो 180 आएगा। क्यों, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब ये भी 180 है, ये भी 180 है, राइट, तो हम ऐसे ही लिख देंगे। दोनों को इक्वेट करा तो हमें यहाँ से क्या मिला, ए प्लस सी, ए प्लस सी आपने यहाँ लिख दिया, राइट, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी प्लस सी।
अब दोनों केस में हमारे पास यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा लास्ट आंसर मिलेगा A इज इक्वल टू बी. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम एंड यू शुड नो हाउ टू राइट दिस थ्योरम. एक्सेलेंट. सो होप यू हैव अंडरस्टूड. करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, सेम चीज. आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया है लाइन एल एम के पैरेलल है, एन इज द ट्रांसवर्सल डायग्राम इज नियर अबाउट सेम. प्रूव क्या करना है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ये डी और ये बी इक्वल है, ये दिखाना हमारा टारगेट है. एक सेकेंड, कैसे करेंगे? सेम लॉजिक, सेम तरीके से करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. ये दोनों को ऐड किया, C प्लस डी इज इक्वल टू 180, राइट? रीजन इज लीनियर फेयर. उसी तरह से C प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. Reason theorem which you have done that interior pair of angles, ये दोनों angles हमेशा supplementary होते हैं. ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो equate कर देते हैं. अब यहाँ पे हम C या D ऐसा नहीं लिख सकते, हमको angle का symbol लिखना पड़ेगा. अगर हम वो नहीं लिखेंगे तो हमारे marks चले जाएंगे. Now C plus D is equal to C plus एंगल बी, राइट? अब ये भी एंगल सी है और ये भी एंगल सी है, कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. या एंगल डी इज इक्वल टू एंगल, अगर आप इस पर लिखें एंगल डी इज इक्वल टू एंगल, एंड दिस इज समथिंग दैट वॉज टू बी प्रूव्ड. हमको प्रूव क्या करना था? हमको यही प्रूफ करना था, बी और डी इक्वल है. सो ये थ्योरम है, इसका प्रूफ एग्जाम में आता है. प्रैक्टिस से 2.1 क्वेश्चन सिंपल है. 85 ये दिया हुआ, राइट? अगर ये 85 है तो बेटा इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये 85 हो जाएगा, और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 85 डिग्री हो जाएगा, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल 85 डिग्री हो जाएगा, राइट? और एक और चीज हम समझ लेते हैं, और वो ये समझते हैं कि ये दोनों एंगल, कौन से एंगल? ये वाला एंगल और 85 डिग्री. सपोज हम इसको x पकड़ते हैं, x प्लस 85 दोनों इक्वल टू होता है 180 डिग्री. क्यों? बिकॉज दे आर इन द लीनियर पेयर. सो व्हाट विल बी एक्स? एक्स विल बी इक्वल टू 180 माइनस 85 डिग्रीज. इफ दैट इज द केस, व्हाट यू गेट हियर इज 95 डिग्रीज. एक्स इज इक्वल टू 95 डिग्रीज. सो आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 95 डिग्रीज. If this is 95, vertically opposite will be 95. If this is 95, this will be 95. If this is 95, this will be 95. And hence, we can do all numerical in the diagrammatics. So kindly draw the diagram and try to get the answers orally. Now, in exam, you will not get marks unless you write it systematically. तो क्या करेंगे? आप फिर से लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे देखेंगे. फर्स्ट वन दैट इज आर एच डी. क्या करना है? आर एच डी, ठीक है? आर पे जाइए, आर एच, सो आर से एच और एच से डी. आपको ये वाला एंगल ढूंढ के निकालना. तो भाई ये एंगल और जो एंगल आपके पास दिया हुआ है, आपके पास कौन सा एंगल दिया हुआ है? आपके पास एंगल ये वाला ही दिया हुआ है,
ये एंगल दिया है 85, ये एंगल नहीं मालूम एक्स, और दोनों को ऐड किया तो 180 डिग्री होता है। बस यही देखना है आपको, एंगल इन लीनियर पेयर। फिर आपने 85 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और 85 को उस साइड ले जाने के बाद हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू 95। होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। 95 आ गया। सिस्टमेटिकली आपको पूरे एंगल्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्यों लिखने हैं? लास्ट टाइम तो ए बी सी डी लिख के हो गया था, अब क्यों लिखना पड़ रहा है? लास्ट टाइम ए बी सी डी डायग्राम में दिया था, इस टाइम ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो आपको सपोज करके सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर द बेस्ट मेथड इज पूरा एंगल लिखो। एंगल लिखते समय क्या करते हैं, अगर मुझे ये एंगल यहाँ से यहाँ जाना है तो हम जहां से स्टार्ट करें, यहाँ हाथ रखा था ना पेन, फिर यहाँ से नीचे लेके गए थे, तो यहाँ पे इस रे में आने वाली एंगल को लिख लो एच, फिर जी, और जी के बाद में एस, सो एच जी एस, इस प्रकार से एंगल लिखा जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? पी एच जी बोला, राइट? नेक्स्ट क्या बोला? पी एच जी। डायग्राम में देखते हैं पी एच जी का है, तो जाइए भाई डायग्राम के पास जाइए, पी पे पहुंच गए, फिर एच पे पहुंचे और जी पे आ गए, मतलब नीचे पी पे थे, एच पे थे और जी पे थे, मतलब ये एंगल आपको ढूंढ के निकालना है, राइट? अब ये तो आपका 95 आ ही गया था, तो उसका वर्टिकली अपोजिट 95 आ जाएगा, और आपको रेफरेंस देना पड़ेगा कि भाई मैंने ये तो 2 से टैली करके लिया है, ये 2 में आया था 95, ये एंगल आ गया था 95, इसीलिए मैंने वहां पे 95 ले लिया, ठीक। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन इज एच जी एस, क्वेश्चन इज एच जी एस, तो आराम से जाके पहले देखो, ठीक है? हम ब्लैक कलर का इंक ले लेते हैं ताकि आपको दिखे सही से, एच फिर जी फिर एस, यहां से यहां तक एंगल है, ठीक है? अब ये 85 दिया है तो इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पर 85 आ जाएगा, सो 85 85 हो गए, डन, दिस इज बाय करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। नेक्स्ट अब उसने क्या बोला? नेक्स्ट उसने बोला कि आपको पता करना है कि लास्ट एंगल एम जी के क्या है, तो पहले एम पे चले जाइए, फिर जी पे जाइए, फिर के पे जाइए, तो आपको एंगल दिखेगा भाई यहाँ से यहाँ तक करना है मुझे, ये मेरा एंगल है। अगर ये 85 था, ये 95 आपका आ चुका था, तो डायरेक्टली वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये 95 हो जाएगा और ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा एम जी के एच जी एस एंड सो ऑन। नाउ फिगर 2.6, फिगर 2.6, ये है आपका फिगर 2.6। ऐसे देखेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, हम इसकी एक रे को हटा देंगे और फिर हम एक को पढ़ेंगे और बाद में दूसरे को पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें दो ट्रांसवर्सल्स हैं, अब पहला वाला, राइट? एंगल ए प्लस 110 इज इक्वल टू 180, सो एंगल ए विल बी 180 माइनस 110, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर? एक बार फिर से देखते हैं इसको, ठीक है? यहां पर पहले इसको इरेज कर लेते हैं,
ओके अब हमने एंगल ए निकाल लिया, अब हम एक्स में जाएंगे, एंगल ई निकाल लिया। ए कितना आ गया था 70, और क्या दिया हुआ था पी इज पैरेलल टू क्यू। तो हम कलर चेंज करके यहाँ पे दिखा देते हैं कौन कौन सी लाइन पैरेलल है। लाइन पी जो है इस पैरेलल टू लाइन क्यू। इफ दैट इज द केस एंड आई हैव अ ट्रांसवर्सल विच इज हियर, दिस इज द ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएंगे। लिखना कैसे, लेट इट बी ई एज शोन इन द फिगर, लाइन पी क्यू पैरेलल टू क्यू, पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू, लाइन ए इज द ट्रांसवर्सल। इफ दैट इज द केस वैल्यू सब शूट कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। यहाँ इंजीनियर एंगल से भी हो सकता है और करस्पॉन्डिंग एंगल से भी हो सकता है ये न्यूमेरिकल सॉल्व। अभी आपको जैसा हमने बताया था कि ए का करस्पॉन्डिंग ले, एक वो तरीका हो सकता है और एक दूसरा तरीका हो सकता है कि 110 और ई को ऐड करोगे तो 180 आ जाएगा, 110 और ई को ऐड करोगे तो 180 आ जाएगा। सो एंगल ई का मेजर कितना रहेगा, 180 माइनस 110 दैट इज इक्वल टू 70। जनरली अवॉइड राइटिंग दीज टाइप ऑफ थिंग्स, यूज द थ्योरम वाइसली। नेक्स्ट यू हैव टू राइट सिस्टमैटिकली, राइट। अब उसने ए निकाल दिया, हम पहले इंक थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके हमने अभी ए निकाल लिया, इट वॉज 70। हमने ई निकाल लिया, इट इज 70। अब हम जाते हैं बी पे, बी और ई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसीलिए अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा और इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, राइट। इसको और समझने के लिए आप एक स्टेप और कर सकते हैं। आप ये सोचो कि ये लाइन है ही नहीं, राइट। अगर आप इस लाइन को पूरी तरह से हटा दें तो इसको समझने के लिए हम एक बार ऐसा भी समझ सकते हैं। अगर आपको डाउट्स हैं, आपको अभी भी ये पॉइंट क्लियर ना हो रहा हो, तो आप एक काम कीजिएगा, आप ये जो इतनी बड़ी फिगर है इसको ऐसे समझिए ही मत। आप ये समझो कि आपके पास ये दो लाइन्स हैं, राइट। एक का नाम है पी, एक का नाम है क्यू, एरो डालना दोनों साइड में नहीं भूलना, और आपकी ये ट्रांसवर्सल है और इस ट्रांसवर्सल का नाम है एल। आपको ए दिया हुआ है, आपको बी निकालना है, राइट। आप डायरेक्टली नहीं जा सकते यहां से, आप एक काम कर सकते हैं, ये अगर ए दिया है तो आप इसको भी देख लीजिए, राइट। और यहां दिया है 110, सो आप 110 से ए का वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आपने ए का वैल्यू निकाला, आप यहाँ गए, ये भी ए आपका बन जाएगा और ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे, तो ये भी आपका वैल्यू ए ही हो जाएगा। आप ऐसे कीजिए, ये जैसे हमने समझाया है, ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने के लिए आप यू आर फ्री टू यूज योर वे आउट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने ए निकाल लिया, ठीक है, आपने बी निकाल लिया, आप सी पे आए। अब आप कंफ्यूज ना होए, आप ये समझ लीजिए कि आपके पास यही दो लाइंस हैं जिनका नाम है पी और क्यू, और इस बार जो ट्रांसवर्सल है वो एल नहीं एम है, और जो एंगल हमें दिया है वो है 115। तो ये 115 है, तो भाई डी क्या रहेगा हमें समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, हमें डी समझना बहुत आसान है, 115 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। सो एंगल डी कितना रहेगा, 180 में से 115 को आप माइनस करेंगे और जो भी आंसर आता है दैट मीन्स 180 में से
115 को आप माइनस करेंगे, कैरी गया, यहाँ आ गया 5, ये था 7, 7 में से 1 गया तो 6, सो दिस बिकम्स 65 डिग्री, राइट। अब आपके पास 115 है, आपने डी की वैल्यू निकाली, अच्छा सी तो छूट गया, ओ कोई प्रॉब्लम नहीं, सी जो है वो इस जगह पे है और ये दोनों जो है वो करस्पॉन्डिंग है, तो एंगल ये हो जाएगा 115। कैसे लिखते हैं देखिए, लाइन पी और लाइन क्यू पैरेलल है, पैरेलल लाइंस दो स्ट्रेट लाइन से दिखाई जाती है। उसके बाद में एम ट्रांसवर्सल है, आपको स्पेसिफाई हमेशा करना पड़ता है ट्रांसवर्सल, एक मिनट हाँ, इसको देखिए आप जब भी इसको सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमने जो किया था, E को कंसिडर करो, P और Q पैरेलल है और L इज द ट्रांसवर्सल, सो आपको हर बार ट्रांसवर्सल स्पेसिफाई करना पड़ता है, P एंड Q आर पैरेलल, M इज द ट्रांसवर्सल। उसको लिखने के बाद आप वापस जाइए करस्पॉन्डिंग एंगल्स पे जाएंगे और वैसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पे जाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 65। दिस इज द वे यू आर सपोज टू राइट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख के बाद में भी देख सकते हैं, होपफुली मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर भी हमें लग रहा है कि बहुत कंफ्यूजिंग है, क्यों, क्योंकि बहुत सारी लाइंस थी, तो कोई बात नहीं बेटा, आपको अगर ए निकालना है तो आप दो लाइन पकड़ लीजिए, पहली लाइन आपकी है एल राइट और दूसरी लाइन आपकी है एम, क्लियर, और ये है आपकी ट्रांसवर्सल, दूसरी लाइन को देखो मत, सोचो ही मत कि ये लाइन है, इमेजिन करो कि ये लाइन है ही नहीं, और कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है तब तक आप ये भी कर सकते हैं कि ये लाइन ड्रॉइंग मत कीजिए नोटबुक में थोड़ी देर के लिए, तो जब ये लाइन आपको दिखेगी ही नहीं तो आपको लाइन में कंफ्यूजन होगा ही नहीं, आपको एक ही दिख रहा है, और ये तो फिर फिफ्थ और सिक्स स्टैंडर्ड को सीखा था, क्या सीखा था भाई, एंगल ए दिया हुआ है राइट, एंगल ए दिया है, हम ब्लैक कलर यूज करते हैं, लास्ट टाइम किसी ने कहा था कि डार्क कलर यूज कीजिए ताकि दिखाई बराबर पड़े, ये 45 है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 रहेगा, ये क्या है, डी है राइट, ओके, अब अगर ये 45 है तो ये क्या रहेगा, 180 माइनस 45 रहेगा राइट, सो दैट बिकम्स 135, आपका बी हो जाएगा 135, अगर बी 135 है उसका वर्टिकली अपोजिट 135 हो जाएगा, बट इसको लिखना कैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपके हिसाब से मुझे लगता है कि एक बार क्लियर हो चुका है कि आप फर्स्ट केस में क्या करेंगे, आप पहला ट्रांसवर्सल लेंगे और दूसरे केस में दूसरा ट्रांसवर्सल लेंगे, ठीक है, देखिए और यहाँ पे जो सी दिया हुआ है, बट उसने क्या बोला, लाइन एल और एम पैरेलल है, लाइन एल और लाइन एम पैरेलल है, उसी तरह से एम और पी भी पैरेलल है, तो ये जितने एंगल्स मिल गए उस हिसाब से ये भी आंसर आप ले सकते हैं, अगर आप इसको ट्रांसवर्सल कर सकते हैं, देखते हैं डिटेल में कैसे लिखना है, वेरी गुड, एंगल इन द लीनियर पेयर, होपफुली आपको समझ में आएगा बिकॉज कि मैं समझा चुकी हूँ, कंसिडर एंगल डी एज शोन इन द फिगर, आप कंसिडर कर लीजिए, क्यों कंसिडर करना जरूरी है, ईजी होता है, 45 है ये 45 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग और आप आराम से कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी जा सकते हैं, ये 45 है एंगल डी इस एंगल 45 करस्पॉन्डिंग मिल गया और इन दोनों को ऐड किया बी और डी को तो आपको 180 डिग्री मिला, सो आपको डी का वैल्यू 135 हो गया, एक तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका और आप कर सकते हैं, ये 45 है तो ये भी 45 रहेगा,
डन। अगर ये 45 है तो उसका अल्टरनेट भी 45 रहेगा, सो दैट कैन बी एंगल भी। आपको सबसे शॉर्टकट देखना है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला सबसे शॉर्टकट हो जाता है। तो ये न्यूमेरिकल्स को करने के दो दो तीन तीन तरीके हो सकते हैं। पर्टिकुलरली आपको एंगल्स बोला तो उसी तरह से एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया बी और सी, बी और सी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। राइटिंग टेक्निक ध्यान से देखिए कि हमेशा हम फर्स्ट थिंग क्या करते हैं, जो दो पैरेलल लाइन्स हैं उनको लिखते हैं, उनके ट्रांसवर्सल को लिखते हैं, फिर जो दिए हुए एंगल है उनको इक्वल लिखते हैं और उसका रीजन बनाते हैं करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट पर्टिकुलर अपोजिट एंड थर्ड वन हम एंगल का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये फिगर दिया है, हमको लगता है कि कुछ अजीब सा फिगर दिख रहा है, राइट? क्या बोला उसने? इन फिगर साइड ऑफ एंगल दिस एंड एंगल दिस आर पैरेलल टू ईच अदर। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ये लाइन देखें, इसको आप एक्सटेंड करें इसे, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल रहेगी और उसी तरह से ये जो एंगल साइड्स हैं ये भी पैरेलल रहेंगे, ठीक है? अब क्या प्रूव करना है? PQR, PQR, राइट? अच्छा, PQR, दिस एंगल इज इक्वल टू XY सेट। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, समझ लीजिए कि भाई एंगल तो ये ऐसे थे, राइट? और दो एंगल ऐसे बने। आप बोलेंगे ये कहाँ है? बिल्कुल है, ये बिल्कुल है। यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल यहाँ पे आपका एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है, और उसी तरह से ये दूसरा एंगल है पी क्यू आर। ये दो इक्वल बता रहे हैं। आप धीरे धीरे जाएंगे, ये करस्पॉन्डिंग है, ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। ये अगर वर्टिकली अपोजिट हो गए तो यहाँ पर आप इस पे जाइए और फिर यहाँ पे जो आएगा वो एंगल यहाँ आ जाएगा। सपोज ये ए है तो ये भी अपोजिट एंगल्स ए हो जाएंगे, इसके अल्टरनेट ये ए हो जाएंगे, इसका करस्पॉन्डिंग ये ए हो जाएगा। सो अल्टीमेटली दीज टू विल बी इक्वल। अब इसके आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस तैयार कर सकते हैं, देखते हैं कि हमने क्या किया। रे वाई जेड, रे क्यू आर, रे वाई एक्स एंड क्यू पी, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर जैसा दिखाया था। टू प्रूव लिख दिया कंस्ट्रक्शन का, दोनों लाइंस को एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करने के बाद प्रूफ लिखना स्टार्ट करो। क्या बोला उसने? ये दो लाइंस है, कौन सी दो लाइंस है मेरी? येलो वाली, ये लाइन और ये लाइन, राइट? वाई जेड एंड क्यू आर देयर। एक ट्रांसवर्सल लिया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोला, क्या बोला? रे वाई एक्स, वाई एक्स ये है आपका वाई एक्स, इज पैरेलल टू क्यू पी, राइट? एस वाई, एस वाई दिस इज द ट्रांसवर्सल। सो ये एंगल जो है वो इसके करस्पॉन्डिंग रहेगा, पी वाई जेड के, ठीक है?
एक बार इसको क्लीन करते हैं और समझते हैं। ध्यान से देखिए, वाई एक्स, चूंकि यहाँ पे वाई एक्स ये लाइन है, इज पैरेलल टू क्यू पी, राइट, एंड एस वाई, दिस एस वाई इज द ट्रांसवर्सल। सो एंगल एक्स वाई जेड ये एंगल बनता है इज इक्वल टू पी एस वाई, ये वाला। नेक्स्ट आप वापस जा रहे हैं, वाई जेड इज ऑल्सो पैरेलल टू, वाई जेड इज ऑल्सो पैरेलल टू क्यू आर। इफ दैट इज द केस, ये आपका एंगल इसके बराबर आ जाएगा। सो धीरे 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 वो एक एक स्टेप आगे बढ़ाते बढ़ाते एंगल तरफ पहुंच जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है बेटा, लिखना सीखना पड़ेगा। अगर ये 105 है, राइट, तो ये आपका 105 हो जाएगा। ये अगर आपका 70 105 है, टोटल 180 होता है, नहीं मालूम क्या है, तो 105 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो एक्स विल बी इक्वल टू 180 माइनस 105 So ultimately आपको सिर्फ एंगल्स के नाम लिखने हैं और आपको आगे बढ़ना है। देख लीजिए कैसे लिखते हैं, एंगल का नाम लिखा, दोनों लीनियर पेयर लिया, ए आर टी एंगल का मेजर आपको 75 आ गया, माने ए आर टी आप चाहिए ए पे, आर टी ये 75 आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, आपको दिया रहेगा पी क्यू ट्रांसवर्सल है, बाकी आप एंगल्स को इक्वल करते जाएंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर आप फिर से आगे करेस्पॉन्डिंग वर्टिकली ऑपोजिट धीरे धीरे करके आप क्लियर करेंगे। इस तरह से हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट किया, सेकेंड वीडियो में सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट भी लिखना, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।